बंद कर दो तो बंद करना होता। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم معزز خواتین माएं और बहनें अल्लाह जल्ला शानहु अम्मा नवालहु ने पहला एहसान हम पर यह किया कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया। अल्लाह की बेशुमार मखलूकात हैं, अल्लाह कोई भी मखलूक हमें बना देते, घोड़ा बना देते, गाय बना देते, भैंस बना देते, कुत्ता बना देते, बिल्ली बना देते, चूहा बना देते, मकड़ी बना देते, छिपकली बना देते, कुछ भी बना देते तो हमारी क्या डिमांड होती है? हम अल्लाह ताला जल्ला शानहु अम्मा नवालहु से क्या मुतालबा कर सकते थे कि इलाही हमें इंसान बना, हमारा वजूद ही नहीं था, हम क्या मुतालबा करते। ये अल्लाह का सबसे पहला एहसान हम पर यह किया कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया और अपनी उन मखलूकात में हमें शामिल फरमाया
जिन मखलूकात को अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है, शरफ बख्शा है, जिनके सर पर बुजुर्गी का ताज रखा है, अल्लाह ने उन मखलूकात में हमें शामिल फरमाया। फिर दूसरा एहसान अल्लाह ताला ने हम पर यह किया कि हमें ईमानदार बंदों में और ईमानदार बंदियों में शामिल फरमाया। आज दुनिया में बेशुमार इंसान हैं, दो तिहाई इंसान हैं जो अल्लाह पर सही ईमान नहीं रखते, अल्लाह के भेजे हुए दीन का फॉलो नहीं करते, अपनी मनमानी जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह से बरगश्ता हैं, अल्लाह से वो फिरे हुए हैं। हमें भी अल्लाह ताला ऐसा ही कर देते, काफिर बना देते, ईसाई बना देते, यहूदी बना देते, हिंदू बना देते, कुछ भी बना देते, तो हम क्या मुतालबा कर लेते कि इलाही हमें ईमान लाने वालों में क्यों शामिल न फरमाया आपने। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें उन बंदों में और बंदियों में शामिल फरमाया जो अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाए, अल्लाह की नाजिल की हुई भेजी हुई किताबों पर ईमान लाए, अल्लाह के नाजिल किए हुए दीन को हमने गले लगाया और हमने अपनी जिंदगियों को अल्लाह के दीन के मुताबिक उस्तुवार किया, अमल किया। ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमानदारों में शामिल फरमाया। फिर कौन से रसूल का हमें उम्मती बनाया, ये अल्लाह ताला का तीसरा बड़ा एहसान है हम पर कि अल्लाह ताला ने हमें अपने हबीब फखरे कायनात सरकार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। कुरान करीम में है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह के इल्म में तुम बेहतरीन उम्मत थे, अल्लाह ने तुम्हें छुपा रखा था, रिजर्व कर रखा था, महफूज रखा था, जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मबूस फरमाए गए तो अल्लाह ताला ने ये उम्मत अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। हमें अल्लाह ताला ने सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल फरमाया, जिसकी तमन्ना पिछले नबियों ने भी की थी कि उनको उम्मत मोहम्मदिया में शामिल फरमाया जाए। अल्लाह ताला ने वो नेमत हमें बगैर किसी इस्तेहकाक के, महज अपने फजलो करम से और अपनी इनायत से अल्लाह ताला ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरी बहनों, अल्लाह की इन नेमतों का शुक्र बजा लाना चाहिए। कुरान करीम में है, लइन शकरतुम लअजीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र बजा लाओगे तो मैं अपनी नेमतें और बढ़ाऊंगा, अपनी नेमतों में इजाफा करूंगा। वलईन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुमने मेरी नेमतों की नाशुक्री की तो मेरी सजा बहुत सख्त है। बस मेरी बहनों, अल्लाह की इन तमाम नेमतों का
शुक्र बजा लाना चाहिए। और वो शुक्र ये है कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर, अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए से जो हमारे लिए दीन भेजा है, कुरान करीम नाजिल किया है, उस दीन को अपनाया जाए, अपने अमल में लाया जाए, ये अल्लाह की तमाम नेमतों का शुक्र बजा लाना है। सूरतुल अहजाब में अल्लाह पाक जल्ला शानहु अम्मा नवालहु ने आयत 35 में 10 काम मर्दों के लिए और वही 10 काम औरतों के लिए बयान फरमाए हैं कि जो मर्द और जो औरतें ये 10 काम करेंगी, अल्लाह ताला ने उन सब के लिए मगफिरत और बड़ा अज्र तैयार कर रखा है। आखिरत में अल्लाह ताला उनकी कोताहियों को माफ करेंगे, उनके लिए मगफिरत तैयार की है अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ताला बहुत बड़ा अज्र सिला अता फरमाएंगे, और वो बहुत बड़ा अज्र है अल्लाह की तैयार की हुई जन्नत, और उस जन्नत में अल्लाह की जन्नतियों से खुशनुदी और रजामंदी। अल्लाह जो बंदे और जो बंदियां जन्नत में पहुंच जाएंगे, अल्लाह ताला उन बंदों से और बंदियों से खुश हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा अज्र है जो अल्लाह ताला ने उनके लिए तैयार करवा किया है। लिहाजा मेरी बहनों, वो 10 बातें समझनी चाहिए, जिन 10 बातों को इख्तियार करने के नतीजे में अल्लाह ताला की मगफिरत नसीब होगी और जन्नत मिलेगी और अल्लाह की खुशनुदी मिलेगी। इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक इस्लाम के काम करने वाले मर्द और इस्लाम के काम करने वाली औरतें, इस्लाम से मुराद आमाल हैं, नमाज, रोजा, जकात, हज वगैरह। एक हदीस है जिसका नाम हदीस जिब्रील है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सहाबा की एक मजलिस में इंसानी शक्ल में आकर नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से चंद सवालात किए। उनमें एक सवाल था, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 5 काम बतलाए कि इन 5 कामों का नाम इस्लाम है। 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, माबूद सिर्फ अल्लाह ताला है। इस्लाम का पहला कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। बस मोमिन बंदा और मोमिन बंदी अल्लाह के अलावा किसी को माबूद तस्लीम नहीं करेगी। माबूद सिर्फ अल्लाह ताला की रात है, अल्लाह ताला के अलावा कोई बड़ी से बड़ी शख्सियत, चाहे वो अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो, अल्लाह के सबसे बड़े फरिश्ते हों, अल्लाह के सबसे बड़े फरिश्ते
जिब्राइल, मीकाइल, इसराफिल, इज़राइल, अल्लाह के बहुत बड़े नबी हों। अरे भाई कहते हैं आवाज नहीं आ रही है, तो फिर क्या कर रहे हैं तुम? अभी अभी बंद हुई है, अभी बंद हुई है। हाँ अभी क्यों इसको छेड़ा तो नहीं मैंने, क्यों बंद हो गई? रीसेट किया उसको, रीसेट किया इसको, इसको ये तार हिलाने से वो बंद हो जाता है, वो डीलर तार हिलती है ना तो वो फिर हिलती है। यही पड़ा, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया उस जी, अब पता नहीं कब से आवाज बंद हुई है, कुछ पता नहीं। ये आवाज हो रही थी इस्लाम का वो जब शुरू किया तब से आवाज हो रही थी। अगर इसको खुला करने देता हूँ आपको पता लग जाएगा खुदा का सवाल। चलो तो मैं ये कह रहा था कि उन दस बातों में से पहली बात है इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, इस्लाम के काम करने वाले मर्द और इस्लाम के काम करने वाली औरतें, उन दस बातों में से पहली बात इस्लाम है और इस्लाम से मुराद आमाल हैं, नमाज, रोजा, जकात वगैरह जो करने के काम हैं, जो आमाल हैं उनको इस्लाम कहा जाता है। एक हदीस में, जिस हदीस का नाम हदीस जिब्रील है, एक मर्तबा सहाबे केराम की मजलिस में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए हैं और उन्होंने चंद सवालात किए। उनमें से एक सवाल ये था कमल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पांच कामों का नाम इस्लाम है, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। पहला काम दो बातों की गवाही देना, दो बातों का इकरार करना, एक इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, दूसरी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इन दो बातों की गवाही देना, इन दो बातों का इकरार करना, ये पहला काम है इस्लाम के पांच कामों में से। मेरी बहनों, ये दो अकीदे हैं और इस्लाम का पहला कलेमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, इन दो बातों का दिल से इकरार करना, इन दो बातों को दिल से मान लेना, ये तो है ईमान। फिर इन दो अकीदों का जुबान से इकरार करना, ये है शहादत। तो जुबान से इकरार करना, ये जुबान का फैल है, जुबान का अमल है। बस इस्लाम के पांच कामों में से पहला काम है दूसरा कलेमा। जो पांच कलेमे हैं जो हमने बचपन में याद किए हैं, उनमें से दूसरा कलेमा है
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं इस बात की भी गवाही देती हूं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये गवाही देना, गवाही हमेशा मुंह से होती है, जुबान से होती है, ये गवाही इस्लाम के पांच कामों में से पहला काम है। दूसरा काम नमाज का एहतमाम करना है, इकामुस्सलाह, नमाज का एहतमाम करना है। सिर्फ नमाज पढ़ लेना ये काफी नहीं, जब जी चाहा, जैसा जी चाहा, बंदे ने नमाज पढ़ ली ये काफी नहीं है। नमाज का एहतमाम करना, नमाज का एहतमाम करना ये है कि पांचों वक्तों की नमाजें उनके औकात में पढ़ी जाएं, कोई नमाज कजा न की जाए। मर्दों में भी ये कमी होती है और ख्वातीन में ये कमी ज्यादा पाई जाती है कि वो अपने घरेलू कामों में ऐसी मशगूल रहती हैं और नमाज अभी पढ़ूं करते करते नमाज कजा हो जाती है, और कजा करके पढ़ती हैं तो नमाज तो पढ़ ली मगर नमाज का एहतमाम नहीं हुआ। मैंने अपने घर में अपनी ख्वातीन को ये समझा रखा है कि जब अजान हो फौरन हर काम छोड़ दो, वुजू करो, नमाज अदा करो, फिर सारे काम करते रहो। हमारे यहां जब मस्जिदों में अजानें होती हैं तो घरों में आवाजें पहुंचती हैं, और इतनी आवाजें मुख्तलिफ मस्जिदों से आती हैं कि सोया हुआ भी बेदार हो जाए। यहां घरों में मस्जिदों की आवाजें नहीं पहुंचती, लोग घड़ियों के जरिए अंदाजे करते हैं कि नमाज का वक्त हुआ, लिहाजा ऐसी घड़ी होनी चाहिए कि नमाज का वक्त होते ही बजे और चौकन्ना करे और मुतनब्बे करे, और तमाम बहनों को जूं ही नमाज का वक्त हो नमाज फौरन अदा करनी चाहिए। तो नमाज के एहतमाम में एक तो नमाज को बर वक्त अदा करना है, दूसरी चीज नमाज में, हर नमाज में कुछ चीजें फर्ज हैं, कुछ चीजें वाजिब हैं, कुछ चीजें सुन्नत हैं, कुछ चीजें आदाब हैं, कुछ चीजें हराम हैं, कुछ चीजें मकरू तहरीमी हैं, कुछ चीजें मकरू तंजीही हैं। इन सब का लिहाज करके नमाज पढ़ी जाए तो ये नमाज का एहतमाम हुआ। नमाज में जो बातें फर्ज हैं, अगर उन फराइज में से एक फर्ज भी अदा नहीं होगा तो नमाज ही खत्म। नमाज में जो चीजें वाजिब हैं, अगर कोई वाजिब छूट गया तो सजदे सहो करना है। नमाज में जो चीजें सुन्नत हैं, जो मुस्तहब हैं, अगर वो छूट जाए तो नमाज नाफिस होगी मगर नमाज हो जाएगी। नमाज में जो चीजें हराम हैं, जैसे बोलना हराम है, कोई काम करना हराम है, खाना पीना हराम है, अगर ऐसा कोई काम कर लिया तो नमाज खत्म, नमाज बातिल होगी। जो काम नमाज में मकरूह हैं, अगर वो कोई काम कर लिया तो नमाज नाफिस हो जाए। बहरहाल नमाज के एहतमाम में इन सब बातों की रियायत करना ये नमाज का एहतमाम करना है। तीसरी चीज ज़कात है। अल्लाह ने जिन बंदों को और जिन बंदियों को इतना माल दिया है जो बकदरे निसाब है, जिस निसाब में जकात वाजिब है,
चाहे वो डागर की शक्ल में हो, चाहे वो जेवर की शक्ल में हो, सोने का जेवर हो या चांदी का जेवर हो, अगर जकात के निसाब के बकद्र उसके पास पैसे या जेवर मौजूद है तो उसकी जकात फर्ज है। और जकात हर बहन को अपनी जकात खुद निकालनी चाहिए, बेटी की जकात बाप निकाल दे, बीवी की जकात शोहर निकाल दे। बेटी के कहने से, बेटी ने अब्बा से कहा अब्बा मेरी जकात आप दे दें, बीवी ने शोहर से कहा कि मेरे सरताज मेरे जेवरों की जकात आप दे दें, और बाप ने वो जकात दे दी, शोहर ने वो जकात दे दी, तो जकात अदा हो गई। लेकिन बेहतर यह है कि माल वाली बेटी, माल वाली बीवी अपने माल की जकात खुद निकाले। मेरे यहां मेरी बेटियों की पर भी जकात वाजिब है, मेरे घर में से थी उन पर भी जकात वाजिब थी, जेवरात पैसों की वजह से। जब हम रमजान के बाद हिसाब करने बैठते थे तो मैं सबसे कहता था अपनी अपनी जकातें खुद ला करके अदा करो। एक हमारे यहां डिब्बा है, उस डिब्बे में डाल देते थे, जिसको हम साल भर गरीबों को तकसीम करते रहते थे कि अपनी जकात अपने हाथ से लाकर डालो। इसलिए कि जकात निकालने से इंसान की तबीयत में जो बखीली है उस बखीली कम होती है, उस बखीली का इलाज होता है। और दूसरे को कहा और दूसरे ने जकात दे दी तो गरीब को तो माल पहुंच गया और गरीब का फायदा तो हो गया, लेकिन इंसान की तरबियत, इंसान के अंदर जो बखीली एक बुरा वस्त्र है उसका इलाज नहीं हुआ। और जब इंसान खुद खर्च करता है तो खर्च करते करते तबीयत में सखावत पैदा होती है, खर्च करते करते बखीली का रहीला, बखीली की बुराई इंसान की तबीयत में से घटती है, कम होती है। इसलिए मेरी बहनों, हर बहन को यह कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जकात खुद अदा करे, खुश दिली के साथ अदा करे, ताकि इंसान का नफ्स संवरे, इंसान का नफ्स अच्छा बने। चौथी चीज, रमजान शरीफ के रोजे हैं, अभी रोजों का महीना गुजरा और तमाम बहनों ने अल्लाह के फजल व करम से रोजे रखे। हमारी बहनें रोजे रखने में मर्दों से बहुत आगे होती हैं। नकली रोजे भी खवातीन बहुत रखना चाहती हैं, रखें, लेकिन हदीस शरीफ में यह है कि अगर कोई खातून नकली रोजा रखना चाहे और उसका शौहर घर पर मौजूद हो तो शौहर से इजाजत लेकर नफल रोजा रखे, शौहर की इजाजत के बगैर न रखे। लेकिन वो रोजे जो रमजान शरीफ में मंथली पीरियड की वजह से कजा हो जाते हैं, नहीं वो कजा नहीं होते, वो नहीं रखे जाते, वो कजा नहीं, जो रोजे माहवारी की वजह से रमजान शरीफ में नहीं रखे, उन रोजों के वो रोजे रखने तो फर्ज है, उनमें शौहर की इजाजत की जरूरत नहीं। बहनें आम तौर पर इन रोजों में गफलत बरतती, आज रखूं कल रखूं, आज रखूं कल रखूं, इसी तरीके से जमाना गुजरता रहता है और अगला रमजान आ जाता है और उनके वो जो दो चार पांच छह सात आठ रोजे जाते हैं वो रोजे नहीं रख पाती हैं। ये एक कोताही है, उस कोताही को दूर करना चाहिए। शव्वाल के महीने में छह रोजे, हदीसों में उन छह रोजों की फजीलत आई, पर सारी दुनिया वो छह रोजे रखती है तो हमारी खवातीन को अपने रमजान में गए हुए रोजे शव्वाल ही में रख लेने चाहिए। वो रमजान के गए हुए रोजे रखने की वजह से शव्वाल के छह रोजों की फजीलत हासिल नहीं होगी,
शव्वाल के छह नफल रोजे तो अलग रखने होंगे, लेकिन ये जो गए हुए रोजे हैं उनको शव्वाल ही में रख लिए जाएं तो जल्दी से एक फरीजा निमट गया और जिम्मा फारिग हो गया। बहरहाल चौथा अमल है रोजे और पांचवा अमल है जिस मर्द के पास, जिस खातून के पास इतना माल है कि वो हज कर सकती है तो उस पर हज फर्ज है। अगर कोई महरम या शौहर हज में ले जाने वाला है तो एक हाजी के एक आदमी हज कर सके, इतने पैसे जब किसी औरत के पास आएंगे तो उस पर हज फर्ज हो गया। अब कोई ले जाए, शौहर ले जाए या कोई महरम ले जाए तो उसके साथ जाकर हज फर्ज हज करे, और अगर कोई ले जाने वाला नहीं है, उसके शौहर गरीब है, उसके रिश्तेदार गरीब हैं, महरम तो हैं लेकिन उनके पास गरीब हैं, हज करने की इस्तेआत नहीं है, तो फिर जब औरत के पास दो आदमियों के हज के पैसे हो जाएं तो अब हज अदा करना फर्ज है। अब औरत के जिम्मे यह है कि अपने मशौहर को या अपने किसी महरम को खर्चा देकर उसको अपने साथ ले जाए और जाकर के हज करे। तो जब दो हाजियों के पैसे औरत के पास हो जाएंगे अब हज अदा करना फर्ज है, और एक हाजी के पैसे उसके पास हो गए तो हज करना फर्ज है। लेकिन हज करेगी कैसे, साथ में कोई चाहिए शौहर या महरम? बस अगर शौहर या महरम जा रहा है और वो साथ ले जा रहा है तो उसके साथ हज अदा करे, और अगर कोई ले जाने वाला नहीं है इसलिए कि वो गरीब हैं तो फिर औरत के पास जब दो हाजियों के पैसे आएंगे तो अब हज फर्ज तो पहले हो चुका था जब एक हाजी के पैसे आए थे, जब दो हाजियों के पैसे आए तो अब हज करना फर्ज है, अदा करना फर्ज है, और उसके लिए जरूरी है कि शौहर को खर्चा दे, महरम को खर्चा दे, और खर्चा देकर अपने साथ ले जाए और हज करके आए। बहरहाल ये एक पांचवा फरीजा है। ये मिसाल के तौर पर जो इस्लाम के अहम अहम काम थे उनको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल के जवाब में गिनाया कि ये पांच काम इस्लाम के काम हैं। पांच में इन्हिसार नहीं है, पांच के अलावा भी इस्लाम के बहुत काम हैं, लेकिन जो बुनियादी मेन काम है वो मेन काम बुनियादी काम ये है। पर जो बंदे और जो बंदियां इस्लाम के काम करने वाले हैं अल्लाह ताला ने उनके लिए मगफिरत और अजर अजीम तैयार कर रखा है। दूसरी बात फरमाई वल मोमिनीन वल मोमिनात, और ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें। ईमान से मुराद अकाइद हैं। हजरत जिब्राइल अलैहि सलातो वसलाम ने जब सवाल किया था तो सबसे पहला सवाल यह किया था मल ईमान, ईमान क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छह सात अकीदे बतलाए थे कि ये छह सात बातें दिल से एक्सेप्ट करना, दिल से कबूल करना, दिल से मानना, इसका नाम ईमान है। फरमाया अंतुमिना बिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह को मानो, दिल की गहराई से सच्चे दिल से अल्लाह ताला को मानो। कमा हुआ बे अस्माई व सिफाती, अल्लाह के जो नाम हैं और अल्लाह की जो सिफतें हैं उन सिफतों के साथ अल्लाह ताला को मानो। नंबर दो, अल्लाह के फरिश्तों को मानो कि अल्लाह की एक मखलूक है जिनका नाम फरिश्ते हैं, उनका वाकई वजूद है, वो फरिश्ते चाहे हमें नजर ना आए लेकिन अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं।
अल्लाह ने इंसानों की इस्लाह के लिए जो किताबें नाजिल की हैं मुख्तलिफ नबियों पर, उन तमाम किताबों को सच्चा मानो। अल्लाह जल्ला शानहु अम्मा नवालहु ने इंसानों की इस्लाह के लिए अंबिया और रसूल भेजे हैं, उन रसूलों को सच्चा मानो। ये तीन अकीदे, फरिश्तों को मानना, अल्लाह की किताबों को मानना और अल्लाह के रसूलों को मानना और अल्लाह पर ईमान लाना, ये चार अकीदे हुए। और ये चार अकीदे एक सिलसिले की कड़ी है। जब हमने मान लिया कि हमारे खालिको मालिक, हमारे पैदा करने वाले और हमारे मालिक अल्लाह पाक जल्ला शानहु हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की बंदियां हैं, हमारी फितरत में, हमारे नेचर में बंदगी है, वर्शिप है। अब किसकी वर्शिप करनी, जब इंसान के नेचर में और फितरत में वर्शिप है, बंदगी है, तो जो फितरी तकाजा होता है उस फितरी तकाजे को तो इंसान पूरा करना चाहता है। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूलों के जरिए और अपनी किताबों के जरिए इंसानों को अपनी बंदगी करने के तरीके सिखलाए। जो लोग मर्द और औरतें अल्लाह के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक अल्लाह की बंदगी करती हैं, उनकी फितरत का तकाजा पूरा होता है। और जो अल्लाह को नहीं मानती, अल्लाह की किताबों को, रसूलों को, नबियों को, फरिश्तों को नहीं मानती, तो उनको भी पूजा तो करनी है, वो तो नेचर का तकाजा है। तो फिर वो ऐरे गैरे नथू खैरे की इबादत करेगा, कोई गाय की इबादत करेगा, कोई गंगा की इबादत करेगा, कोई मूर्तियों की इबादत करेगा, कोई कब्रों की इबादत करेगा, कोई ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करेगा, कोई आग को पूजेगा, कोई किसको पूजेगा। बहरहाल पूजना है, पूजा करना, ये तो इंसान की फितरत में। मुसलमानों में जो मुसलमान नमाजें नहीं पढ़ते, वो भी साल में कुछ बड़े दिन और कुछ बड़ी रातें उन्होंने मुतय्यन कर रखी हैं। उस बड़े दिन में दिन भर और उन बड़ी रातों में रात भर इबादत करेंगे और तबीयत को मुतमईन कर लिए, जो फितरत का तकाजा है वो पूरा कर लिया। ये उन्होंने खुद ही घड़ रखा है। अल्लाह ने तो रोजाना पांच नमाजें फर्ज की हैं। जो पांच नमाजें फर्ज नहीं पड़ेगी तो वो बड़ी रातों और बड़े दिनों के इंतजार में रहेगी और उस रात में अपने तबीयत के तकाजे को पूरा कर लिया और अल्लाह के हुक्म को पीछे डाल दिया। तो मेरी बहनों, अल्लाह के अल्लाह ने हमको पैदा किया, अल्लाह हमारे पैदा करने वाले भी हैं, अल्लाह हमारे मालिक भी हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की बंदियां हैं, हमारी फितरत में अल्लाह ने बंदगी रखी है। हमें बंदगी किसकी करनी है, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करनी है। कैसे करनी है, इसके लिए अल्लाह ताला नबी भेजे, रसूल भेजे और उन रसूलों पर अल्लाह ने अपनी किताबें भेजी। अल्लाह की ये किताबें रसूलों तो कौन लाया, फरिश्ते लाए। वही हमेशा फरिश्ते अल्लाह की तरफ से नबियों और रसूलों के पास वही लाते हैं। अल्लाह ताला बंदों से रूबरू गुफ्तगू करें, इंसान उसको तहम्मुल नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सूरज को देखते हैं तो आंखें खैरा हो जाती हैं, हम मुसलसल नहीं देख सकते। तो अल्लाह के नूर को बंदा नहीं देख सकता, इंसान नहीं देख सकता। इसलिए अल्लाह के यहां से वहियां फरिश्तों के जरिए रसूलों के पास पहुंचती हैं। इसलिए फरिश्तों का वजूद मानना उन छह सात अकाइद में शामिल है। अगर कोई शख्स फरिश्तों को नहीं मानता तो सवाल पैदा होगा कि अल्लाह की किताबें रसूलों के पास कैसे आई। अल्लाह बराह रास्त तो इंसानों से बात करें, ये बात बंदे बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर ये किताबें आई कैसे।
इसलिए फरिश्तों का वजूद भी मानना जरूरी है। तो हुजूर ने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह को दिल से मानो, अल्लाह के फरिश्तों को मानो, अल्लाह की किताबों को मानो, अल्लाह के रसूलों को मानो। पांचवीं चीज ये एक अकीदा रखना है कि हमारी ये दुनिया जो चल रही है, इस दुनिया का अल-यौमुल आखिर आएगा, लास्ट डे आएगा, आखिरी दिन आएगा। वो जब आखिरी दिन आएगा तो ये दुनिया फिनिश हो जाएगी। ये आखिरी दिन हर इंसान का आता है। जब वो आखिरी दिन आता है तो आदमी दुनिया से मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो इंसान की मौत का जो दिन है वो उसकी कयामत है। हदीस शरीफ में है कि मन माता फकद कामत कयामत, जिसकी मौत आ गई उसकी कयामत शुरू हो गई। तो जैसे हर शख्स की कयामत आती है, उसकी लाइफ का आखिरी दिन आता है, उसके बाद वो जजा व सजा से दो चार होता है। इस दुनिया में अमल करना है, जजा व सजा इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में बोना है, खेती इस दुनिया में नहीं कटती, अमल का अच्छे बुरे अमल का सेला इस दुनिया में नहीं मिलता। मौत जिस दिन आई उस दिन इंसान की अमली जिंदगी खत्म हो गई, अमल का वक्त फिनिश हो गया, अब अगली जिंदगी शुरू हुई जिसमें जजा व सजा है। हदीसों में है कि कब्र में जब मैयत रखी जाती है और मैयत नेक होती है और उससे जो तीन सवाल किए जाते हैं उनके वो जवाब दे देती है सही, तो जन्नत की तरफ खिड़की खोल दी जाती है। जन्नत में से भीनी भीनी हवाएं आती हैं, खुशबुएं महके आती हैं और फरिश्ते बंदे से ये कहकर चले जाते हैं कि इत्मीनान से सो जाओ, अब तुम्हें अल्लाह ताला कयामत के दिन उठाएंगे। और अगर बुरा बंदा और बुरी बंदी होती है, खबर में जो तीन सवाल होते हैं उनके जवाब सही सही नहीं दे सकती, तो फरिश्ते ऐसे गुर्ज से मारते हैं कि उसकी चीख तमाम मखलूकात सुनती हैं सिवाय इंसान और जिन्नात के। इंसान और जिन्नात मय्यित की उस चीख को सुन लें तो बेहोश होकर गिर पड़े। इसलिए अल्लाह ताला ने उनसे इस आवाज को मख्फी रखा है। और कब्र उसकी तंग कर दी जाती है, कब्र को हुक्म देते हैं फरिश्ते से कि मिल जा, वो मिल जाती है और मय्यित को भींचती है इतनी कि पसलियां टूटकर दाई तरफ की पसलियां बाई तरफ की पसलियों में घुस जाती हैं और बाई तरफ की पसलियां दाई तरफ की पसलियों में घुस जाती हैं। ये जजा व सजा है। तो ये दुनिया अमल की दुनिया है। इस दुनिया में अच्छाई करने वाले को कोई अच्छा फल नहीं मिलता, बुराइयां करने वाले हर तरह की बुराइयां कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, कोई थप्पड़ नहीं पड़ता। करो बुराइयां, ये दुनिया दारुल अमल है, यहां जजा व सजा नहीं। और जहां मौत आई, आंख बंद हुई क्या फौरन आंख खुल जाती है, आंख बंद होते ही आंख खुल जाती है, दूसरी दुनिया शुरू हो जाती है। और इस दुनिया में जो अगर अच्छा किया है तो उसका अच्छा सिला मिलना शुरू हो जाता है, और अगर बुरा किया है तो उसकी सजा उस दुनिया में मिलना शुरू हो जाती है। इसलिए नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन माता फकद कामत कयामत, जो मर गया उसकी कयामत शुरू हो गई। मेरी बहनों, जैसे हर आदमी की मौत पर उसकी कयामत शुरू होती है, हमारी ये दुनिया जिस दुनिया में हम इस वक्त हैं, इस दुनिया का भी अल यौमुल आखिर आना है, लास्ट दिन आना है। इसका एतिकाद रखना जरूरी है।
जो सात अकीदे हैं उनमें से पांचवां अकीदा है अलयौमुल आखिर, इस दुनिया के आखिरी दिन यानी कयामत के दिन का यकीन रखना जरूरी है। छठी चीज वलबाथ बाद अलमौत, हम मर जाते हैं तो मर कर खत्म नहीं हो जाते हैं, हमारी रूह बदन से निकल कर आलम बरजख में उसके लिए जो अल्लाह ताला ने मकाम तय किया है सब रूहें वहां चली जाती हैं, और हमारा जिस्म जो मिट्टी से बना है वो मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है। जब दफन करते हैं तो तीन मुट्ठी मिट्टी डालते हैं और ये कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है मिन्हा खलकनाकुम, अब हम इस बॉडी को मिट्टी के हवाले कर रहे हैं वफीहा नुईदुकुम, मगर ये बॉडी जो मिट्टी के हवाले की जा रही है ये हमारे हमेशा के लिए हवाले नहीं की जा रही है, हमें मिट्टी में से एक मर्तबा और अल्लाह ताला निकालेंगे और मिट्टी से हमारी बॉडियां एक मर्तबा और तैयार होकर निकलेंगी। जैसे उजड़ी हुई जमीन होती है अल्लाह बारिश बरसाते हैं और हफ्ता दस दिन के अंदर सारा जंगल घास से भर जाता है, जमीन में से सब्जा उग आता है, ऐसे कयामत जब कायम होगी सूर फूंका जाएगा, पहला सूर जब फूंका जाएगा तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा तो तमाम हैवानात जमीन में से ऐसे उग कर बाडियां निकलेंगी जैसे जमीन में से गर्मियों में जमीन उजड़ने के बाद बारिश होने के बाद सब्जा उगता है, इसी तरह से तमाम जिस्म बाडियां जमीन में से निकल आएंगी। जब जमीन में से सब अजसाम निकल आएंगे तो रूहें जो आलम बरजख में आगे चली गई हैं और वहां बाकी हैं जिंदा हैं, उन रूहों को रेवस किया जाएगा, पीछे भेजा जाएगा और वो रूहें इस जमीन में आकर हर रूह अपने जिस्म में दाखिल हो जाएगी और इंसान दोबारा जिंदा हो जाएगा, फिर दोबारा जिंदा होने के बाद मैदान महशर कायम होगा, हिसाब और किताब की अदालत कायम होगी, अल्लाह पाक और फरिश्ते इस जमीन पर नुजूल जलाल फरमाएंगे और फिर जन्नती और जहन्नमी हिसाब के बाद इस जमीन से चलेंगे और इस जमीन इस दुनिया और दूसरी दुनिया के दरमियान में एक ब्रिज रखा जाएगा, पुल सिरात रखा जाएगा, जन्नती उस पर से पार होकर जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नमियों को उस ब्रिज के नीचे बड़े बड़े आंकड़े लगे हुए होंगे वो पकड़कर जहन्नम में खींच लेंगे। जब तमाम हिसाब किताब निमट जाएगा और तमाम इंसान जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद ये दुनिया खत्म कर दी जाएगी। ये इस्लामी अकीदा है। अब सारे इंसान दूसरी दुनिया में जन्नत और जहन्नम में पहुंच गए, ये जन्नत और जहन्नम हमेशा चलेंगे, ये फिनिश न होने वाली दुनिया है, आखिरत की दुनिया कभी खत्म न होने वाली। बहरहाल छठा अकीदा है वलबाथ बाद अलमौत, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने को मानना। जो बंदा जो बंदी कयामत को मानता है, दोबारा जिंदा होने को मानता है, तो वो इस दुनिया में अमल करेगी कि मेरा किया हुआ अमल कल कयामत के दिन मेरे काम आए और इस अमल की बुनियाद पर मैं जन्नत में पहुंचू, बुरे कामों से बचेगी कि अगर मैं बुरे काम करूंगी तो मुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा सजा पाने के लिए। तो ये कयामत का जो अकीदा है वो इंसान को अमल पर उभारता है, अच्छा अमल करने पर उभारता है और बुरे अमल से बचने पर उभारता है।
और मेरी बहनों सातवां अकीदा है वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला। सातवां अकीदा यह है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के लिए एक प्लानिंग की है। ये दुनिया पैदा हुई, अल्लाह ने ये दुनिया पैदा की, इससे बहुत पहले अल्लाह ताला ने इस दुनिया के लिए एक प्लानिंग की है। क्या प्लानिंग की है? कि इस दुनिया में फूला फूला चीजें इंसान के लिए मुफीद है और फूला फूला चीजें इंसान के लिए नुकसान रसा है। इस पर ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह ताला ने जो चीजें हमारे लिए मुफीद बनाई हैं उनको इख्तियार करना जरूरी है और अल्लाह ताला ने जो चीजें हमारे लिए मुजीर बनाई हैं उनसे बचना जरूरी है। अल्लाह की ये प्लानिंग अटल है। देखो मेरी बहनों, मादी दुनिया की हद तक हर इंसान अपने तजर्बात की बुनियाद पर ये जानने की कोशिश करता है कि दुनिया की क्या क्या चीजें मेरे हमारे लिए मुफीद हैं और क्या चीजें मुजीर हैं। जो चीजें मुफीद हैं जैसे घी, फैट मुफीद है, तो इंसान पैसे देकर घी और फैट खरीद कर लाता है और खाता है। तजर्बे से इंसान जानता है कि जहर कातिल है, जान सेता है, जान लेने वाला है, तो उससे कोसों दूर भागता है। ये कैसे उसे मालूम हो? तजर्बे से मालूम हो। और ये अल्लाह की तकदीर है कि घी इंसान के लिए मुफीद है, जहर इंसान के लिए मुजिर है। मेरी बहनों, इसी तरीके से अकाइद और आमाल के सिलसिले में भी अल्लाह की एक प्लानिंग है कि इस्लामी अकीदे ये इंसान के लिए मुफीद हैं, ये जन्नत में ले जाने वाले हैं, और काफिराना अकीदे बिलीफ यानी अकीदा, हर इंसान का कोई ना कोई अकीदा है, अकीदे के बगैर दुनिया में कोई इंसान नहीं होता। कौन से अकीदे मुफीद हैं, कौन से अकीदे मुजिर हैं, इस सिलसिले में अल्लाह की तकदीर है, प्लानिंग है कि ये अकीदे जो बंदा और जो बंदी ये अकीदे रखती है तो ये अकीदे उसे जन्नत में ले जाए। और दूसरे अकीदे हैं कि जो बंदा और जो बंदी ये अकीदे गलत अकीदे रखती है तो ये अकीदे उसे जहन्नम में ले जाएंगे। इस पर ईमान लाना जरूरी है। इसी का नाम तकदीर है कि हम जो चाहें अकीदे रखें। नहीं, अल्लाह ने अजल से इंसान के लिए प्लानिंग कर रखी है, तकदीर से मुतय्यन कर रखी है कि कौन से अकीदे इंसान के लिए मुफीद हैं जो उसे जन्नत में ले जाएंगे और कौन से अकीदे इंसान के लिए मुजीर हैं जो उसे जहन्नम में ले जाए। इसी तरीके से आमाल, कुछ काम हैं जो इंसान के लिए मुफीद हैं, अगर वो करेगा तो जन्नत में जाएगा, और दूसरे कुछ काम हैं जो इंसान के लिए मुजिर हैं, अगर वो करेगा तो जहन्नम में जाएगा। नमाज पढ़ना, जकात देना, रोजा रखना, हज करना, खैरात करना, अल्लाह की इताअत करना, सच बोलना, मुसीबतों में सब्र करना, अल्लाह के सामने खाकसारी करना, खैरातें करना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना और अल्लाह का हमेशा जिक्र करना, अल्लाह को याद रखना, ये वो काम हैं जो काम इंसान के लिए मुफीद हैं। जो बंदा और जो बंदी ये काम करेगी तो ये काम उसे जन्नत में ले जाएंगे और अल्लाह के साथ किसी और को भी खुदा मान लेना यानी खुदाई वाले मामलात उस गैर के साथ करना, बंदगी, वर्षित, पूजा, मन्नतें मानना, सजदा करना, ये अल्लाह के साथ खास है। किसी कब्र को, किसी वली को, किसी बुत को, किसी को भी सामने ये आमाल करना ये इंसान के लिए मुजिर है, ये शिर्क है।
और शिर्क वो गुनाह है जो कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। चोरी करना, जिना करना, झूठ बोलना, खयानत करना, झूठी गवाही देना, किसी पर जादू करना, किसी पर जादू करवाना, किसी को जान से मार डालना, कत्ल करना, ये वो काम है जो जहन्नम में ले जाने वाले काम हैं और ये इंसान के लिए मुज़िर हैं। ये अल्लाह की प्लानिंग है कि पहली किस्म के काम इंसान के लिए मुफीद हैं और दूसरी किस्म के काम इंसान के लिए मुज़िर हैं। पर जो मुज़िर काम है, नुकसान पहुंचाने वाले काम है, उससे अपने आप को बचाना, और जो फायदा पहुंचाने वाले काम है उन कामों को करना, ये इंसान को जो तकदीर को मानता है वही ये काम करे। और जो अल्लाह की प्लानिंग को नहीं मानता उसके नजदीक सब काम बराबर है, वो हर बुराई भी करेगा और जी चाहेगा तो अच्छाई भी करेगा। लेकिन जिसका तकदीर पर, जिस बंदी का ईमान है तकदीर पर कि ये काम मेरे लिए मुफीद है, वो वही काम करेगी, और ये काम मेरे लिए मुजिर है, वो हमें दूर भागेगी उनसे, वो काम नहीं करेगी। तो सातवां अकीदा है वल कद्र और प्लानिंग। लफ्ज कद्र के मान अरबी लफ्ज है, उसके माने है प्लानिंग। खैरिही व शर्रिही, अच्छी मुफीद प्लानिंग और मुजिर प्लानिंग। ये मुफीद और मुजिर अल्लाह के लिए नहीं है, बंदे के लिए है, इंसान के लिए, कि इंसानों के लिए अल्लाह की प्लानिंग में क्या अकीदे और क्या आमाल मुफीद है, और इंसान के लिए अल्लाह की प्लानिंग में जो अजल से अल्लाह ने कर रखी है कौन से अकीदे और कौन से आमाल मुजिर हैं, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से। वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला, अल्लाह की तरफ से ये प्लानिंग हुई हुई है, लिहाजा इस पर यकीन रखना, उस पर ईमान रखना, और उसके मुताबिक जो इंसान के लिए मुफीद चीजें हैं उनको अपनाना, और जो मुजिर चीजें हैं उससे अपने आप को बचाना, ये जरूरी है। मैंने कहा था कि मादियात की हद तक, दुनिया की चीजों की हद तक हर इंसान अल्लाह की तकदीर पर ईमान रखता है। जो चीजें खाने पीने की इंसान के लिए मुफीद हैं, बड़ी कीमतें देकर वो चीजें लाता है और इस्तेमाल करता है। जो चीजें खाने पीने की इंसान के लिए मुजिर हैं, उनसे कोसों दूर रहता है। मगर जब अकाइद और आमाल का नंबर आता है तो फिर जो तकदीर इलाही को मानता है वही बंदी खास अकीदे इख्तियार करेगी और दूसरे अकीदों से बचेगी, खास काम करेगी और दूसरे बुरे कामों से अपने आप को बचाएगी, कि वो जानती है कि अल्लाह ने तय कर रखा है कि ये अकीदे इंसान के लिए मुफीद है, ये अकीदे मुजिर है, ये आमाल इंसान के लिए मुफीद है, ये आमाल इंसान के लिए नुकसान पहुंचाने वाला है। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल के सवाल के जवाब में फरमाया कि ये सात बातें दिल से मानने का नाम ईमान है। अल्लाह को मानो, अल्लाह के फरिश्तों को मानो, अल्लाह की तमाम किताबों को सच्चा मानो, अल्लाह के तमाम रसूलों को सच्चा मानो, तमाम रसूल सच्चे हैं, लेकिन फॉलो उस किताब का करना है जिस किताब का पीरियड चल रहा है, उस रसूल का फॉलो करना है जिस रसूल का पीरियड चल रहा है। अल्लाह की आखिरी किताब कुरान करीम है, हम मानते हैं तौरात, इंजील, जबूर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सही पे, ये सब बरहक किताबें अल्लाह की थी, लेकिन उनका जमाना गुजर गया, अब जमाना है कुरान करीम का। अल्लाह के सब पैगंबर, 25 पैगंबरों के नाम कुरान में आए हैं, उनके अलावा बेशुमार अल्लाह के छोटे नबी और बड़े रसूल हुए हैं, इन सबको हम सच्चा मानते हैं, लेकिन फॉलो करेंगे उस रसूल का जिसका पीरियड चल रहा। स्कूल कॉलेज में, मदरसे में पहले घंटे में फुला उस्ताद से पढ़ना है, दूसरे घंटे में टीचर बदल जाएगा, तीसरे घंटे में तीसरा टीचर आएगा, जब तीसरा
पीरियड शुरू हुआ तो अब जो तीसरे पीरियड का टीचर है उस्ताद है उसी से पढ़ना है, लेकिन पहले और दूसरे पीरियड में जो टीचर थे उनको भी अपना टीचर मानना है, उनको सच्चा कभी स्कूल के ये उस्ताद है। लेकिन तीसरे पीरियड में तीसरे पीरियड का जो टीचर है उसी से बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे ही हर जमाने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल भेजे हैं, बस इस आखिरी दौर में ये जो पीरियड चल रहा है वो आका दो जहां खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चल रहा है। बस इस जमाने में जो किताब अल्लाह ने नाजिल की है कुरान करीम और जो पैगंबर तशरीफ लाए हैं सबसे आखिर में हबीब रब्बिल आलमीन, उनका फॉलो करना है और बाकी तमाम किताबों को और तमाम रसूलों को बरहक और सच्चा मानना है। बहरहाल ये वो इस्लामी अकीदे थे। अकीदे इनके अलावा भी बेहिश्ती जेवर में 50 अकीदे लिखे हैं, लेकिन मेन बुनियादी अकीदे ये 7 हैं जो हदीस जिब्राइल में आए हैं और उनको तालीमुल इस्लाम में ईमान मुजमल में ये 7 अकीदे याद कराए जाते। तो फरमाया कि इस्लाम के काम करने वाले मर्द और इस्लाम के काम करने वाली औरतें और ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें और फरमान बर्दारी करने वाले मर्द और फरमान बर्दारी करने वाली औरतें। फरमान बर्दारी, फरमान माने आर्डर और बर्दारी के माने आर्डर को उठाना, यानी जो हुक्म मिला है उसको ओबई इताअत करना, अल्लाह के हुक्म की इताअत करना। अल्लाह के हर हुक्म को जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दिया है बंदों के लिए जरूरी है कि उसके इताअत करें, उस हुक्म को दिलो जान से बजा लाएं। मर्दों के लिए ये बात जरूरी है और औरतों के लिए भी ये बात जरूरी है। कोई ये कहे कि नमाज पढ़ना इस्लाम का काम है, फिर फरमान बरदारी उसके अलावा क्या है? जो हम नमाज पढ़ रहे हैं यही तो फरमान बरदारी है? नहीं, दोनों में फर्क करो। एक ये है कि नमाज रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क है, मामूल का काम है। और एक ये है कि दिल में ये जज्बा हो कि अल्लाह का ये मुझे हुक्म है कि नमाज पढ़ो, मैं उस हुक्म की तामील कर रही हूं। तो अब दो बातें जमा होगी, एक बंदा एक बंदी नमाज पढ़ती है रूटीन वर्क के तौर पर, और एक बंदा एक बंदी नमाज पढ़ती है इस जज्बे के साथ कि मेरे खुदा ने मेरे आका ने मेरे मालिक ने मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, मैं उनके हुक्म की तामील में नमाज पढ़ती हूं। तो ये नमाज इस्लाम का काम है और ये दिल में जो जज्बा है ये इताअत ये कुनूत है ये फरमान बरदारी है। और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें, रास्तबाज लफ्ज रास्त के माने सच, ये फारसी लफ्ज है रास्त सच, और बाज के माने हैं खूबर, सच बोलने का आदी है मर्द या औरत। तो जो मर्द सच बोलने के आदी है उनकी हैबिट ही सच बोलना है। देखो दो किस्म के लोग हैं, बाज मर्द वो हैं कि जो 1% झूठ बोलते हैं 2% झूठ बोलते हैं कुछ न कुछ झूठ बोलते हैं, और बाजा बंदा ऐसा है कि जब बोलेगा झूठ बोले 100% झूठ बोलते हैं। यही हाल बंदियों में भी कि बाज बंदियां कुछ बातें झूठ बोलेंगे, बाज बंदियां बहुत बातें झूठ बोलेंगे, बाज बंदियां जब कोई बात करेंगी झूठ बोलेंगी, और बाज बंदियां सच बोलने वाली हैं रास्तबाज हैं, वो जब भी बात करेंगे सच्ची बात करेंगे झूठी बात कभी नहीं करेंगे। तो अल्लाह ने अपनी मगफिरत और अजर अजीम उन बंदियों के लिए तैयार किया है जो हमेशा सच बोलती है।
रास्त बाज का ये मतलब है, हमेशा सच बोलने वाले मर्द और हमेशा सच बोलने वाली औरतें। एक हदीस शरीफ है, एक खातून ने मुट्ठी बंद करके अपने बच्चे को बुलाया, ले 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 बुलाते हैं कुछ, मुट्ठी बंद करके हाथ लंबा करके बच्चे को बुलाया, छोटा बच्चा। तो बच्चा उस औरत की तरफ लिपका कि मेरी मां मुझे कुछ देगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम इस बच्चे को क्या देना चाहती हो? तो उस औरत ने मुट्ठी खोली, उसकी मुट्ठी में एक खजूर थी। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इसको ये खजूर देना चाहती हूं। हुजूर ने फरमाया, खैर, अगर तुम्हारी मुट्ठी में कुछ न होता और तू मुट्ठी बंद करके बच्चे को बुलाती तो तुम्हारे नाम आमाल में ये एक झूठ लिखा जाता। ऐसा करते रहते हैं हम लोग, करते रहते हैं कि बच्चे को वर बुलाने के लिए, बच्चे को बुलाने के लिए हाथ में कुछ नहीं है और बच्चे से कहते हैं। जानवर है, जानवर खूंटे से खुल गया, उसके दाने का टोकरा लेकर जाते हैं, जानवर को दिखाते हैं, ले ले ले, तो जानवर दाने की लालच में आता है, टोकरे में कुछ नहीं होता है, टोकरा फेंक दिया, रस्सी पकड़ ली, ये भी झूठ है। हाँ, टोकरे में अगर दाना थोड़ा बहुत भी, मुट्ठी दो मुट्ठी भी दाना है और वो दिखाकर आप जानवर पकड़े तो ये सच है, लेकिन तोबड़े में, टोकरी में कुछ नहीं है और उसको दिखाकर जानवर को धोखा देकर पकड़ लिया तो ये भी झूठ लिखा जाएगा। ये हदीस शरीफ में है, लिहाजा मेरे बहनों, झूठ से बचना है। जो 100% सच बोलने वाली वो रास्तबाज मर्द कहलाते हैं और रास्तबाज औरतें कहलाते हैं, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। सब्र करना क्या है? सब्र करना है सहना, तबीयत के खिलाफ कोई बात पेश आए तो उसे अंगेज कर जाना, उसे बर्दाश्त कर लेना, उसे सह लेना, ये सब्र है। किसी का इंतकाल हो गया, जी चाहता है फूट फूट कर रोने को, खूब वाह वैला करने को, मगर बंदी ये दिल में सोचती है कि अल्लाह का हुक्म है कि आपे से बाहर मत हो, आंसू से रो कोई हरज नहीं, आंखों की से आंसू निकले ये रोना ये तो सुन्नत है, लेकिन आहो बुका करना, आवाज निकाल करके रोना, मातम और नोहा करना अल्लाह की शरीयत में हराम है, पर जी चाहता है बस ऐसी सूरत में सदमे को बर्दाश्त कर लेना और सब्र करना, उन सब्र करने वाले मर्दों के लिए और सब्र करने वाली औरतों के लिए अल्लाह ताला ने मगफिरत और बड़ा अज्र तैयार कर रखा। और सब्र का ताल्लुक किसी के मरने के साथ ही नहीं है, सब्र का ताल्लुक किसी के मरने के साथ ही नहीं है, सब्र का मामला बहुत दूर तक है। एक मर्द को औरत की तरफ से परेशानी लाहिक होती है तो मर्द बर्दाश्त करता है तो ये सब्र है। एक औरत को शौहर की तरफ से परेशानी लाहिक होती है, औरत बर्दाश्त करती है तो ये भी सब्र है। मैं इसकी कोई मिसाल नहीं दूंगा, मिसाल तो हर इंसान के लिए अलग अलग है। ये मैं कह रहा कि बाज मर्दों को अपनी बीवियों की तरफ से परेशानी लाहिक है, मर्द है, उसको सह जाता है, बर्दाश्त कर लेता है तो ये बर्दाश्त करने वाला मर्द है। ऐसे ही बाल बहनों को उनके शोहरों की तरफ से परेशानियां लाइक होती है, वो बर्दाश्त करती हैं, सह जाती हैं, तो ये सब्र करने वाली औरतें। बाल लोग गरीब होते हैं, गुर्बत है, रिज्क तो अल्लाह की तरफ से मिलता है, रिज्क में कमी है तो मर्द भी अपनी गरीबी को बर्दाश्त कर रहा है, औरतें भी अपने घर की गरीबी को बर्दाश्त कर रही हैं, ये सब्र करना है, ये सहना है, ये बर्दाश्त करना है।
यहाँ तो ये मिसाल कम पाई जाती है। हमारे मुल्कों में जब अब लड़कियों की शादी होती है और वो ससुराल में जाती हैं तो बहुत दिनों तक सास परेशान करती है बहू को, और बहुत घरों में जो बहुएं आती वो सास को परेशान करती है, और इसी से भी झगड़े टंटे खड़े होते हैं और तलाकों की नौबतें आती हैं। ऐसे मौके पर अगर सास को बहू की तरफ से परेशानी है तो सास बर्दाश्त करे, और बहू को सास की तरफ से परेशानी है तो बहू बर्दाश्त करे। ये सब बर्दाश्त की शक्लें हैं। इंसान को बीमारियां लाहिक होती हैं, कोई भी बीमारी हो सकती, बस बीमारी में तकलीफ को बर्दाश्त करना, फूट फूट कर न रोना, सारे महल्ले को सर पे न उठा लेना। अल्लाह ने एक तकलीफ दी है तो जहां तक बर्दाश्त कर सके, सह सके, उसे बर्दाश्त करना, सहना, ये सब शक्लें सब्र की है। अल्लाह ने मगफिरत और बड़ा अजर सब्र करने वाले मर्दों के लिए और सब्र करने वाली औरतों के लिए तैयार किया है। वल खाशीन वल खाशियात, और खुशू करने वाले मर्द और खुशू करने वाली औरतें। खुशू क्या है? इसके लिए दूसरा लफ्ज है खाकसारी। खाकसारी यानी अपने आप को छोटा समझना। इसका मुकाबिल है घुमंड, गुरूर, तकब्बुर, बढ़ाई, मैं ऐसी, मैं वैसी, मैं तैसी। ये गुरूर है, तकब्बुर है, और इसका मुकाबिल सिफत है खाकसारी, खुशबू। दुनिया में हर मर्द को और हर औरत को के लिए जरूरी है कि अपने आप को सबसे छोटा समझे। कौन बड़ा है और कौन छोटा है वो अल्लाह जानते हैं। अल्लाह के यहां जब हम जाएंगे तब पता चलेगा बड़ा कौन है, छोटा कौन है। इस दुनिया में तो हर मर्द के लिए जरूरी है और हर औरत के लिए जरूरी है कि अपने आप को तमाम औरतों से, तमाम मर्दों से छोटा मामूली समझे, दूसरों को बड़ा समझे। मेरी बहनों, हदीस शरीफ में है कि मन तवाज़ अलिल्लाह रफ़ा हुआ, जो शख्स अल्लाह के लिए खाकसारी इख्तियार करता है तो अल्लाह उसका मर्तबा बुलंद करते हैं। मर्दों में वो मर्द जो गुरूर और तकब्बुर और घमंड करते हैं, लोग अपनी नजरों से उन्हें गिरा देते हैं, और जो बंदे, जो मर्द अपने आप को मामूली छोटा समझते हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको ऊंचा उठाते हैं, उनको सर पे बिठाते हैं। मेरी बहनों, खवातीन में, औरतों में भी यही है कि जो औरत घमंड और गुरूर करेगी, अपने लिबास का दिखावा करेगी, अपने जेवर का दिखावा करेगी, मैं ऐसी, मैं वैसी, तो दूसरी औरतें सामने अगरचे कुछ नहीं बोलेंगी मगर पीछे कहेंगे निकम्मी औरत है। और जो बहन अपने आप को दूसरी बहनों से छोटा, मामूली, हकीर समझती है तो दूसरी बहनों की निगाहों में उसकी इज्जत पैदा होती है, वो उसको ऊंचा उठाते हैं कि वे अच्छी बहन है, बेचारी मोहब्बत से मिलती है, मेल जोल में बहुत अच्छी है। तो खुशू, खाकसारी, ये एक ऐसी सिफत है जो इंसान को सरबुलंद करती है, और आखिरत में ऐसे खाकसार बंदों के लिए और खाकसारी करने वाली औरतों के लिए अल्लाह ताला ने मगफिरत और अज्र अजीम तैयार किया। वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, और खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें। यहां खैरात करने के मौके ही नहीं, ये जो रीच कंट्रियां हैं यहां खैरात करने के मौके ही हमारी बहनों को नहीं मिलते। यहां दरवाजे पर कोई साहिल आकर खड़ा ही नहीं होता। हमारे मुल्कों में जो गरीब मुल्क कहलाते हैं वहां औरतों के लिए बहुत मौके, सुबह से शाम तक कम से कम 10 साहिल दरवाजे पर आकर सलाह देते हैं, भेजो अल्लाह के लिए,
तो बहने घर में जो कुछ होता है, कोई रोटी भेज देती है, कोई आटा भेज देती है, कोई पैसा भेज देता है, सुबह से शाम तक वो औरतों को खैरात करने के मौके मिलते हैं और खैरात करने के सवाब मिलते हैं। और इन मुल्कों में कोई भिखारी, कोई साइल, कोई फकीर दरवाजे पर आकर खड़ा ही नहीं होता। जब खड़ा नहीं होता तो खैरात करने के मौके भी हमारी बहनों को नहीं मिलते। तो एक बहुत बड़ी फजीलत है, इस फजीलत से इन मुल्कों की हमारी बहनें महरूम हो गई। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज यह है कि घर में एक डिब्बा रखो, उसमें सोराख कर लो और रोजाना जो अल्लाह ताला तौफीक दे 5 सेंट, 10 सेंट, 15 सेंट उस डिब्बे में डालो, और दिन में पूरा $1 एक दिन में डालने के बजाय थोड़ी थोड़ी रकम करके बार बार उस डिब्बे में डालो तो दिल पर उसका असर पड़ेगा। और खैरात करने से जो नफ्स को फायदा पहुंचता है, बखीली इंसान के दिल में से टूटती है, मालदारी का जो नुकसान है वो नुकसान हटता है। लिहाजा यहां और जब दरवाजों पर भिखारी मांगने के लिए साहिल नहीं आते तो इसी तरीके से अपने नफ्स की तरबियत करो। इस मामले में हमारे मुल्कों की, गरीब मुल्कों की ख्वातीन के लिए बड़े अच्छे मौके होते हैं। सुबह से शाम तक उनको बार बार गरीबों को कुछ न कुछ देना ही है। बस जो खैरात करने वाले मर्द हैं और खैरात करने वाली औरतें हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने बड़ा अज्र और मगफिरत तैयार कर रखी। वस्साइमीन वस्साइमात, और रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें। रमजान के रोजे ये तो इस्लाम के कामों में से हैं, हर मुसलमान को रमजान के रोजे तो रखने हैं। लेकिन रमजान के रोजों के अलावा कुछ नफल रोजे भी हैं जो मर्दों को भी रखने चाहिए और औरतों को भी रखने चाहिए। मैंने अभी बताया था कि हमारी बहनें नफल रोजों रखने में मर्दों से आगे हैं, उनको बड़ा मजा आता है नफल रोजे रखने में। इसलिए हदीस शरीफ में यह कैद लगाई गई है कि अगर शौहर सफर में है तो औरतें नफल रोजा रख सकती हैं, किसी से इजाजत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर शौहर घर पर मौजूद है तो फिर नफल रोजा रखने के लिए शौहर की रजामंदी जरूरी है, इजाजत जरूरी है। औरत ने कह दिया कि मुझे, मैं कल रोजा रखूंगी, और शौहर खामोश रहा तो इजाजत हो गई। औरत उठी और सहरी कर रही है और शौहर देख रहा है और कुछ बोल नहीं रहा तो इजाजत हो गई। बहरहाल शौहर की इजाजत इस सिलसिले में जरूरी है। वल्हाफिजीन फुरूजहुम वल्हाफिजात, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें। नामूस की हिफाजत मर्दों के लिए भी जरूरी है और औरतों के लिए भी जरूरी है। और सूरत नूर में अल्लाह ताला ने मर्दों को भी ये हुक्म दिया है कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी निगाहें नीची रखें, ताकें झांकें नहीं। और औरतों को भी ये हुक्म दिया है कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, ताकें झांकें नहीं। और वजह उसकी बताई है कि उनकी नामूस की हिफाजत इसी अमल से होगी। जो मर्द और अजनबी औरतों को ताकते झांकते हैं वो अपनी शर्मगाह उनकी महफूज नहीं रह सकती है, गुनाह तक नौबत पहुंच सकती है। इसी तरह से जो औरतें गैर महरम मर्दों को ताकती झांकती हैं उनकी इज्जत महफूज नहीं रह सकती है, वो गुनाह तक पहुंच सकती है। इसलिए अल्लाह ने 9वीं बात ये फरमाई, वल्हाफिजीन फुरूजहुम वल्हाफिजात, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें। और 10वीं बात है, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, और बकसरत अल्लाह को याद करने वाले मर्द और बकसरत अल्लाह को याद करने वाली औरतें। मेरी बहनों, इंसान का कमाल यह है, इंसान का कमाल यह है कि अपने
आका को, अपने खाली को, मालिक को किसी आन न भूले, हर हाल में अल्लाह को याद रखे। और अल्लाह को याद उसी वक्त रहेंगे जबकि हमारी जुबान जिक्र में, तस्बीह में, तहमीद में, हमारी जुबान से अल्लाह का जिक्र चलता रहे। अल्लाह का जुबान बंद हुई और दिमाग अल्लाह की तरफ से हट गया, दुनिया के कामों में लग गए। लेकिन अल्लाह के जो बंदे और अल्लाह की जो बंदियां बकसरत अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते हैं और अल्लाह ताला को याद रखते हैं, उन बंदों के लिए और इन बंदियों के लिए अल्लाह ताला ने मगफिरत तैयार कर रखी। मगफिरत माने बख्शिश। मगफिरत तैयार कर रखी है यानी छोटे मोटे जो गुनाह, जो कोताहियां उन बंदों से और उन बंदियों से हो जाएंगी, सबसे अल्लाह ताला दरगुजर फरमाएंगे, अल्लाह ताला उनको माफ फरमाएंगे। और आखिरत में अल्लाह ताला ने उनके लिए बड़ा अजर तैयार कर रखा है, यानी जन्नत तैयार कर रखी है। जन्नत मीरास है ऐसे ही बंदों के लिए। बस उन 10 बातों को फिर गिन लो, इस्लाम के काम करो। मैंने हदीस में बताया कि 5 काम इस्लाम के हैं, जो मेन काम है, ये अल्लाह पर ईमान पुख्ता करो। और वो ईमान अल्लाह पर 5 अकीदों का, 7 अकीदों का नाम है, उसके अलावा भी अकीदे हैं लेकिन मेन अकीदे हैं। अल्लाह के हुक्म की फरमान बरदारी करो, यानी इस्लाम के काम करते हुए दिल के जज्बे के साथ कि मेरे मौला का, मेरे आका का मुझे ये हुक्म है इसलिए मैं नमाज पढ़ रही हूं, इस जज्बे के साथ, इसका नाम फरमान बरदारी। रास्तबाज, 100% सच बोलो, ना गवार हालात को बर्दाश्त करना, सहना, सब्र करना और खुशू करना, खाकसारी इख्तियार करना, अपने आप को बड़ा न समझना, अपने आप को छोटा समझना। खैरात करो, नफली रमजान के अलावा नफल रोजे रखो और अपने नामूस की हिफाजत करो, और नामूस की हिफाजत के खातिर निगाहों को नीची रखो, अजनबियों को ताको झांको नहीं, और बकसरत अल्लाह को याद करो। हमेशा जुबान से अल्लाह, जुबान पर अल्लाह का विर्द जारी रखना चाहिए। ये 10 बातें ये 22वें पारे के बिल्कुल शुरू में, भूल जाओ तो घर में कुरान शरीफ हो, उसे खोल कर देखो। इन्नल मुस्लिमीन अवल मुस्लिमात से आयत शुरू हो रही है, ये 10 बातें, इन 10 बातों पर गारंटी है कि ऐसे बंदों की और ऐसी बंदियों की छोटी मोटी कोताहियां अल्लाह ताला माफ कर देंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनके लिए मगफिरत तैयार कर रखी है। और ऐसे बंदों को अल्लाह जन्नत का वारिस बनाएंगे, जन्नत नशी बनाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने उनके लिए अजर अजीम तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला इन 10 बातों पर अमल करने की हम सब को, मर्दों को भी और बहनों को भी तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें सब बहनें, दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला व सलाम। रब्बना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا إله العالمين ہماری نیکیوں کو قبول فرما ہماری حسنات میں برکت پیدا فرما اے میرے مولا ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما یا اللہ ہماری نیکیوں ہماری زندگیوں کو پاک بازی کی زندگی بنا دے اے میرے مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما
जो किसी भी परेशानी में है, या अल्लाह उनको परेशानियों से उनकी हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई आता फरमा, आखिरत में भी भलाई आता फरमा, और जहन्नम के आजाब से हमारी हिफाजत फरमा, या अल्लाह मौत के वक्त की सख्तियों से हमारी हिफाजत फरमा, कब्र की तंगनाइयों से हमारी हिफाजत फरमा, या अल्लाह कब्र के अंधेरियों में हमारे लिए रोशनी का सामान पैदा फरमा, या अल्लाह मैदान कयामत की सख्तियों में हमारी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह कयामत के दिन के हिसाब को हमारे लिए आसान फरमा, या अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा और जन्न बहिश्त बनी जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, मेरे मौला हमारी कोताहियों को माफ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा, या अल्लाह हमारी जिंदगियों को ईमान वाली जिंदगियां बना दे, इस्लामी आमाल वाली जिंदगी बना दे, ऐ मेरे मौला हमें सब्र शियार बना दे, रास्तबाज बना दे, ऐ अल्लाह हमें तकब्बुर और गुरूर से हमारी हिफाजत फरमा, ऐ मेरे मौला हमारी मगफिरत फरमा, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा, हमारे रिश्तेदारों की मगफिरत फरमा, और तमाम मुसलमान मर्दों की और मुसलमान औरतों की मगफिरत फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाह।